At that time, I was shocked when she asked me this. I always thought that it was a game between her and me. She saw the confusion on my face and said to me, "This question is very important today, as it shows that you have really lived your life." I did not accept the answer, but that you had mentioned earlier, and I had justified the cause too. But today is the day when you need to learn this important lesson of your life. उस समय मैं चौंक गया जब मम्मी ने मुझसे पूछा. मैंने हमेशा सोचा कि उनके और मेरे बीच का ये खेल है. तो उन्होंने मेरे चेहरे पर भ्रम देखा और मुझसे कहा कि यह प्रश्न आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आपने वास्तव में अपना जीवन जिया है. मैंने ये जवाब एक्सेप्ट नहीं किया जो मम्मी ने मुझे बताया था. She looked down at me only as a mother can and said, "The most important part of our body is your shoulder, dear." और वो मेरी तरफ देखी जैसे एक माँ देखती हैं और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे शरीर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण अंग जो है वो है तुम्हारा शोल्डर, मीन्स कंधा. तो इट इज़ बिकॉज इट होल्ड्स अप माई हेड, मॉम, आई इंक्वायर. तो ये इसलिए है क्योंकि मैं अपना सर रख सकता हूँ कंधे पर. तो नो, इट इज़ बिकॉज इट कैन होल्ड द हेड ऑफ अ फ्रेंड और अ लव्ड वन व्हेन दे क्राई, शी रिप्लाइड. तो मम्मी ने बोला कि नहीं, क्योंकि ये आपके फ्रेंड और आप जिससे प्यार करते हैं उनका सर रखें जब वो रोएं. एवरीबडी नीड्स अ शोल्डर टू क्राई ऑन समटाइम इन देयर लाइफ. आई विश यू हैव इनफ लव एंड फ्रेंड सो डैट यू विल ऑलवेज हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन व्हेन यू नीड इट, एंड आई विश डैट यू हैव द सेम टू ऑफर व्हेन दे नीड यू, सी एडेड. मम्मी ने बोला कि सबको चाहिए कंधा जब वो रोते हैं, और मैं जानती हूँ कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ा तो आपके फ्रेंड और आपके चाहने वाले इतने होंगे कि आपको उस टाइम कंधा दे सकें. तो टीयर रोल डाउन हर चीक्स एंड आई वॉज लुकिंग एट माई डैड हु लर्न दिस हैंड ऑन माई अंकल शोल्डर. मम्मी के गालों पे मम्मी के आंसू आ गए, और तभी मैंने देखा कि पापा कैसे मेरे अंकल के शोल्डर पे सर रख करके रो रहे हैं. तो आई क्वाइटली हिड माई फेस इन हर लैप एंड सी कामली मूव्ड हर फिंगर्स इन माई हेयर. देन एंड देयर आई न्यू डैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई बॉडी इज नॉट अ सेल्फिश वन, इट इज सिंपैथिक टूवर्ड्स द पेन ऑफ अदर्स. मम्मी ने मेरा फेस देखा और मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और बोला कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सेल्फिश होना नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम कभी भी किसी के दर्द में हम सिंपैथी दिखा सकें, सहानुभूति कर सकें. ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी, एंड ऑलवेज बी देयर इफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नीड योर सपोर्ट. ओके, सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर.